नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज विद नामदेव में। मैं हूं नीरज गहलोत नामदेव और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अभी 2008 से लेकर 2017 तक इस स्पेस एजेंसी ने, अपनी भारत की स्पेस एजेंसी ने बहुत सी उपलब्धियाँ हासिल की है, विश्व के रिकॉर्ड तोड़े हैं 2-3 बार। तो आपके शायद एसएससी में ये टॉपिक आपको मिल सकता है, टॉपिक आपको चेंज कर सकता है इसरो की उपलब्धियाँ, इसरो का इतिहास, इसरो की वर्तमान स्थिति, ये चीज़ देके कुछ भी टॉपिक इधर उधर कर सकता है। लेकिन इस ऐसे में मैंने सारे कंटेंट्स यूज़ किए हैं, उस कंटेंट्स को आप इस टॉपिक से रिलेटेड करके उसमें लिख देना, आपके 101% दूसरों से अलग और इफेक्टिव ऐसे लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इस ऐसे को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बड़े ही प्रभावशाली सेंटेंस के साथ इसको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन पार्ट को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत के बुलंद इरादों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने आसमान को मुट्ठी में करने का सफर की शुरुआत साइकिल और बैलगाड़ी के सहारे की थी। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, भारतीय अंतरिक्ष को मुट्ठी में करने का साइकिल और बैलगाड़ी से सफर स्टार्ट किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसरो की शुरुआती सफर में संसाधनों के अभाव में पहले रॉकेट जहां साइकिल व बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल वो होता है जहां पर जो भी रॉकेट होता है वहां से एक प्रक्षेपण का यान होता है, PSLV, SLV और GSLV, उससे रॉकेट को भेजा जाता है, उसे बोलते हैं प्रक्षेपण स्थल। ठीक है, प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया करते थे। वही इसरो भारत को दुनिया के नक्शे पर अपने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से भारत को अलग पहचान दिला रहा है। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया कि इसरो ने साइकिल और बैलगाड़ी से सफर स्टार्ट किया था अंतरिक्ष को मुट्ठी में करने का, जहां पर संसाधनों का अभाव था तो उस रॉकेट से सारे पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ियों पर प्रक्षेपण स्थान पर ले गए थे और शुरुआती दौर इस तरह से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे क्या हुआ वो चीज अपन देखते हैं। अब यहाँ से आपका जो है मेन बॉडी पार्ट शुरू होता है, तो ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में इसरो विकसित देशों को टक्कर देता हुआ आज रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रहा है। इसकी सफलता की सीढ़ियां पर रहे इतिहास पर एक संक्षिप्त निगाह डालनी होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई है। ध्यान दीजिएगा, 1969 यानी कि 1969 में उसको इसरो को स्थापित किया गया। और मैंने यहाँ पे यूज वर्ड किया है, वर्ड पे ध्यान देना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नहीं, इसरो का मैंने वर्ड यूज नहीं किया, मैंने वर्ड यूज किया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, एक कार्यक्रम। ठीक है, की शुरुआत 1962 में हुई। पहले अंतरिक्ष विभाग परमाणु विभाग के अंतर्गत हुआ करता था, जो परमाणु विभाग था उसी में अंतरिक्ष विभाग यानी कि जो इसरो का वर्ग पहले परमाणु जो भी विभाग था उसमें हुआ करता था, मगर इसके कार्य को अन्य देशों के प्रक्षेपण पर निर्भरता को समाप्त करने व इससे इसरो को समर्थ बनाने के लिए 1969 में इसरो के नाम से अलग संस्थान बना दी गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे इसरो को और अधिक डेवलप करने के लिए उसको 1970 में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया इसरो नाम देकर। ठीक है, वो चीज़ मैंने बताई है। और पहले कार्यक्रम के तौर पर परमाणु विभाग में कार्यशील था। ठीक है, नतीजा अमेरिका, चीन, रूस, जापान, फ्रांस समेत भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो है जो अपनी भूमि पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया है कि अभी पूरे वर्ल्ड में 6 ऐसे देश हैं जो खुद अपने यहाँ पे स्वदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष बना सकते हैं और उसको लॉन्च कर सकते थे। लेकिन 1975 में सबसे पहले जब ये आर्यभट्ट नाम से परमाणु लॉन्च किया था तो रूस की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि अपने पास उसको भेजने के लिए प्रक्षेपण यान नहीं था। लेकिन अब प्रक्षेपण यान बना दिया गया है तो अब भारत खुद बनाता है और खुद प्रक्षेपित करके उसको लॉन्च करता है। फिर मैंने जो पैराग्राफ चेंज करके कौन कौन से सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष में भेजकर भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा था, विश्व रिकॉर्ड, वो चीज़ बताई है मैंने। आर्यभट्ट
इसरो का पहला उपग्रह जो 1975 में रूस सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहले शायद 1969 में इसको स्थापित किया, लेकिन 1975 में इतनी अपने पास थी नहीं कि उसको भेज सके रॉकेट को, आर्यभट्ट को, इसलिए रूस की सहायता लेनी पड़ी। 1980 में इसरो ने भारत निर्मित प्रथम प्रक्षेपण यान SLV-3, ये चीज ध्यान रखना, SLV-3 वो चीज होती है जिससे रॉकेट को भेजा जाता है। ठीक है, SLV-3 द्वारा रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, सबसे पहला भारत निर्मित ये प्रक्षेपण यान था। ठीक है, अब भेजने के लिए रूस पर या किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ा 1980 के बाद में। बाद में SLV को PSLV और GSLV तकनीक में विकसित किया गया। अब ये क्या चीज होती है थोड़ा बता देता हूँ। SLV तो नॉर्मल होती है, PSLV क्या होती है, थोड़े हल्के उपग्रह होते हैं ना उनको भेजने के लिए, और थोड़े भारी, अगर भारी उपग्रह है तो उसके लिए GSLV तकनीक यूज की जाती है। ठीक है, मतलब एक मशीन होती है जिसके सारे उसको रॉकेट को भेजा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो वो चीज आप ध्यान रखना, बस PSLV GSLV ये नाम ध्यान रखना। और सन 2008 में चंद्रयान लॉन्च कर चांद पर पानी की खोज कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। तत्पश्चात मंगलयान द्वारा मतलब भारत ने जो है चंद्रयान से चंद्रमा पर एक चंद्रयान भेजा था जिसमें पानी की खोज चांद पर है, ये सबसे पहले विश्व में भारत ने ये बताया था और दूसरे वैज्ञानिकों ने भी माना था, ये चीज मैंने बताई है। उसके बाद क्या हुआ, तत्पश्चात मंगलयान द्वारा मंगल तक पहुंचाने के प्रयास में सफल रहने वाले भारत दुनिया का पहला देश बन गया। अब 2017 में जब मंगलयान को भेजा गया था तो जैसे ये दूसरे देश थे ना, तो उसमें 2-3 बार उनको प्रयास करने पड़े, वो विफल रह गया था शुरुआती में, लेकिन भारत ने एक बार किया और एक ही बार में मंगल की कक्षा में स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया फर्स्ट प्रयास में। ठीक है, ये चीज मैंने बताई है। जबकि अमेरिका, रूस, यूरोपियन देशों की स्पेस एजेंसियों ने कई प्रयासों के बाद इस सफलता मिली थी। मंगलयान में जो ये अमेरिका रूस थे उन्होंने भी मतलब काफी मशक्कत करनी पड़ी थी भेजने के लिए, लेकिन भारत ने फर्स्ट बार में ही लॉन्च किया और उसको स्थापित कर लिया। इस प्रकार मंगलयान की सफलता ने इसरो को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया, सबसे बड़ी 2014 की उपलब्धि थी। ठीक है, साथ ही इसरो का मंगल मिशन आज तक का बना सबसे सस्ता मिशन है। मतलब मंगलयान पर जो दूसरे देशों ने भी मंगलयान पर यात्रा की, अंतरिक्ष भेजे, लेकिन भारत में जो है सबसे सस्ता मंगलयान यात्रा रही, क्योंकि आपको बता दूं सिर्फ 450 करोड़ रुपए अर्थात 12 रुपए प्रति किलोमीटर, जो कि एक ऑटो रिक्शे किराए के बराबर है, मात्र इतने खर्चा आया था 450 करोड़ का यहाँ से जब मंगलयान को पर भेजा गया था। ठीक है, तो बहुत सस्ता था, इस वजह से एक और रिकॉर्ड तोड़ा था। अपने प्रयास को जारी रखते हुए 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजकर इसरो ने ऐसा इतिहास रचा जिससे अब तक कोई दोहरा नहीं सका। ठीक है, ये मतलब 104, इससे पहले 2014 में रूस ने मात्र 37 सैटेलाइट भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, उसी रूस को रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने 104 एक साथ सैटेलाइट 1917 में भेजे थे। तो ये सारी डेट्स वगैरह ध्यान रखना। उसके बाद इस ऐसे को मैं समाप्त करता हूँ कॉन्क्लूजन पार्ट का एक इफेक्टिव तरीके से, जिसमें इसरो से क्या अपने को फायदा है वो चीज भी बताई है मैंने। अतः इसरो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को इतना विकसित किया कि विकसित देश की नई सीख के लिए इसरो पर भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों पर निगाह गड़ाए हुए। ठीक है, तो अब जब भारत ने इतनी सफलता की तो जो विकसित देश है अपना, तो चलो मतलब विकसित देश नहीं है भारत, लेकिन दूसरे जो अमेरिका वगैरह है वो भी अब भारत के वैज्ञानिकों के किस तरीके से काम करते वो चीज देखने को उतारू है, निगाह डाल रहे हैं भारत की इसरो पर कि वो किस तरीके से इतना सस्ता इतने विश्व रिकॉर्ड द्वारा वो चीज देख रहा है। ठीक है, और वही दूसरी ओर दूर संचार, मौसम पूर्वानुमान, सूखा प्रबंध, सुरक्षा क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने आदि क्षेत्रों में संपूर्ण मानव जाति को सुरक्षित किया। ठीक है, अब इस ऐसे में आपको जो 250 वर्ड की जो वर्ड लिमिट क्रॉस हो रही है, बहुत से कमेंट में लिखते हो सर ये 250 वर्ड से ज्यादा है, तो आप क्या क्या करो, जैसे इसको कम कर दो ना, इस वाले पार्ट को कम कर दो, कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए इतना इसको डिटेल में मत लिखो, बाकी जो मेन बॉडी पार्ट में सबसे फर्स्ट वाला पैराग्राफ, इसके अलावा इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन पार्ट, ये मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको कम कर लेना पार्ट को, जिससे आपको 250 वर्ड की क्रॉस लिमिट नहीं होगी।
तो अब इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी करंट टॉपिक, करंट मुद्दे और करंट ऐसे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सारे टॉपिक्स वगैरह देख लेना, बहुत से टॉपिक इस पर डाल रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।